पंजाब नेशनल बैंक मंडल कार्यालय हमीरपुर द्वारा आज शाखा स्तर पर बॉटम अप प्रक्रिया के तहत शाखा प्रबंधकों की एक वैचारिक संगोष्ठी का प्रारंभ किया गया। ये बैठक 18 अगस्त 2019 तक जारी रहेगी। बैठक की अध्यक्षता मंडल प्रमुख सिद्धार्थ मजूमदार द्वारा की गई। बैठक में उपमंडल प्रमुख प्रतीक श्रीवास्तव, मुख्य प्रबंधक एस के बोध, बी डी भाटिया, रूपेश कुमार गुप्ता एवं मुख्य जिला अग्रणी प्रबंधक जी सी भट्टी सहित मंडल कार्यालय हमीरपुर के स्टाफ एवं हमीरपुर मंडल की सभी शाखाओं के शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे। बैठक में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जैसे कृषि ऋण, MSME, रिटेल लोन, मुद्रा ऋण, शिक्षा ऋण, डिजिटल कार्यप्रणाली आदि की शाखावार प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में हमीरपुर मंडल के मंडल प्रमुख सिद्धार्थ मजूमदार ने बताया कि ये संगोष्ठी वित्त मंत्रालय के त्वरित सूचना पर आयोजित की गई है और इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य अच्छे विचारों को प्रोत्साहित करना, परस्पर भागीदारी से राष्ट्र के विकास में योगदान देना तथा बैंकरों के बीच राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ बैंकिंग को जोड़ना है। जिला बिलासपुर के झंडुता की ओर से आ रहा टिप्पर अचानक से सीधी सड़क पर तकनीकी खराबी के कारण नीचे जा गिरा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाड़ी की ब्रेक नहीं लग रही थी, हालांकि ड्राइवर गाड़ी को रोकने का प्रयास कर रहा था। हालांकि हादसे में ड्राइवर को सिर में गंभीर चोटें आई हैं, जिससे लोगों ने हादसे वाले स्थान से बाहर निकालकर उसे अपने निजी वाहन में अस्पताल ले जाया गया। हादसे के समय गाड़ी में चालक बलवीर निवासी बड़ोलिया का अकेला ही सवार था। अगर गाड़ी पलटकर और 10 फुट नीचे चली जाती तो एक बड़ा हादसा घट सकता था, क्योंकि खड्ड में बरसात के कारण भारी मात्रा में पानी आया हुआ है। पुलिस थाना झंडुता के अंतर्गत ये हादसा हुआ है। पुलिस मामले को लेकर जांच में जुट गई है। जिला बिलासपुर के अंतर्गत आने वाली पंचायत मोड़ सिंह की कांग्रेस के समय में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कांग्रेस के समय में मंजूर हुआ था। ये स्वास्थ्य केंद्र 13 लाख रुपए की राशि से बनाया जाना था। पूर्व विधायक बब्बर ठाकुर ने सदर विधायक पर जानबूझ से कार्यालय का नेट का आरोप लगाया है। उन्होंने इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य रुकवा दिया है, जिसके चलते सदर विधायक चाहते हैं कि इसका शिलान्यास गुना किया जाए। जो इस पर पट्टिका लगाई गई है उसे भी बदलने की कोशिश में लगे हुए हैं, जिसके कारण गांव के सारे लोग परेशान हो रहे हैं। भाजपा के समय में इस पंचायत में एक भी रुपए का कार्य नहीं किया गया था। कसहोला से लिंगड़ी के लिए कुल किस्सा प्रीति की गई थी, लेकिन ये पुल 1.5 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर PW विभाग के पास जमा पड़ी है। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इस पुल का शिलान्यास किया था। MLA के इशारे पर शिलान्यास पट्टिका तोड़ी गई, पुल का कार्य जानबूझकर रोक दिया गया है। मटियाल पुल तथा कसहोल पुल एक ही समय में 2017 में उसको मंजूरी मिली थी, परंतु मटियाल पुल बनकर तैयार हो गया है। कसहोल लेगड़ी का कार्य अभी रोक दिया गया है। अभी तक लगभग सरकार को 2 साल की अवधि पूरी होने जा रही है, लेकिन इस नकारी सरकार ने केवल वीरभद्र सरकार द्वारा जारी की गई राशि का इस्तेमाल किया है, ना ही कोई नया कार्य किया गया है। यहां तक कि चपरासी को भी अपने बताकर लोगों से श्रेय ले रहे हैं और सदर विधायक सुभाष ठाकुर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। खड्ड पर री फतूही पुल 2017 में बन गया है। MLA ने पटका को भी तोड़ दिया है। सधोली सिंचाई योजना, मियां मदला सिंचाई योजना, हरनोज सिंचाई योजना, सिहिड़ा पेयजल योजनाओं, बुपरनाल सिंचाई योजना, जितने भी कार्य कांग्रेस के समय में हुए हैं, कांग्रेस विधायक उन पत्रिकाओं को उतरवा कर नई पट्टिका लगाने में लगे हुए हैं। ये दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है कि ये कार्य भाजपा के समय में हुआ है, जिसका विज्ञापन उपयुक्त को सौंपा जाएगा। कार्य कुछ शीघ्र ही शुरू किया जाए तथा पुरानी पट्टिकाओं को लगाया जाए। जिन पट्टिकाओं को तोड़ा गया था उन पट्टिकाओं को दोबारा साबित किया जाए, जिसके लिए पूर्व विधायक बब्बर ठाकुर ने उपयुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे और कार्यालय का घेराव किया। भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड की तरफ से भाखड़ा डैम के फ्लड गेट्स खोलकर तकरीबन 19,000 क्यूसेक पानी फ्लड गेट के जरिए छोड़ा जा रहा है। BBMB ने यह फैसला इसलिए लिया क्योंकि भाखड़ा डैम का 16 अगस्त का जल स्तर लगभग 1674 फुट है। भाखड़ा डैम में अधिक से अधिक 1680 फुट तक का पानी आ सकता है। दूसरी ओर हर रोज टरबाइन के रास्ते
36,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है, तो कुल मिलाकर 36,000 प्लस 19,000 जो कि 55,000 क्यूसेक पानी बनता है। ये पानी बाखड़ा से निकलकर नंगल डैम पहुंचेगा।